हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पांडे जी ब्लॉग्स में। और आज डेट है 30 तारीख और दिन है आज वेनसडे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रहा हूँ और सुबह के 9 बज चुके हैं। और आज मैं जा रहा हूँ अभी एक काम करने, क्योंकि मुझे अभी कचरे वाली गाड़ी आई तो कचरा फेंकना। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हेलो गाइस, मैं बाहर आ गया था चेक करने की कूड़ा वाली गाड़ी आई कि नहीं, पर वो तो अभी तो जल्दी आ जाती, पर आज पता नहीं लेट क्यों कर रही है। वैसे तो हमारी कॉलोनी में सब सब्जी वाले घूम रहे हैं अभी, चिल्ला के सब्जी ले लो। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, जैसे लग रहा है दिन के 2 बज चुके। तो अब मैं अभी उसी की गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, तो अब जब गाड़ी आएगी तब आपको दिखाता हूँ। गाइस, मैं नहा कर आ चुका हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होने लगी थी, ब्रश कर लिया मैंने। तो अब मैं जा रहा हूँ स्कूल की फ़ीस जमा करने, क्योंकि मेरा स्कूल यहीं पास ही में, तो मैं ही जमा करता हूँ अपनी स्कूल की फ़ीस। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, चल फीस जमा करने चलते हैं। हेलो गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ और मम्मी ने रास्ते में दे दिया कि ये गाय को खिलाना, तो मैं जा रहा हूँ गाय को खिलाने। तो वहाँ से फिर सीधा स्कूल जाऊँगा फ़ीस जमा करने। तो चलिए चलते हैं। मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ और रास्ते में गाय तो नहीं मिली, पर मैंने जहाँ देता था हमेशा वहाँ रख दिया। तो चलिए अब फीस जमा कर लेते हैं फिर घर चलते हैं। फीस जमा हो चुकी है तो अब मैं जा रहा हूँ दुकान, क्योंकि मम्मी होने वाला सामान लेते आना वहीं से, दूध वूध, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ये रहा मेरा पीछे स्कूल है। तो चलिए चलते दुकान पहुँच चुका हूँ और अब सामान ले लेते हैं। सामान लेने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, मैं घर पहुँच चुका हूँ, थक गया चलते चलते। तो हेलो गाइस, हो गया है लंच का टाइम और बज गए हैं 2। अब मैं जा रहा हूँ लंच करने। मैं फ़ीस जमा करके आ चुका हूँ, फ़ीस जमा हो गई मेरी। और अब मेरा अभी 4 तारीख से मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, तो मुझे फ़ीस जमा करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं जा रहा हूँ डिनर लंच करने। तो ये देखिए आज लंच में क्या बना है। तो ये देखिए बेसन की सब्ज़ी, चावल, रोटी और सलाद। तो अब मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है और शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी खेल ही रहा था और देख सकते हैं आप कितना पसीना हो रहा है मुझे। तो मैं जा रहा था थोड़ा खाने कुछ बाहर का, और वहीं मैं थोड़ा घूम घूम के दिखाऊंगा आसपास की जगह। तो चलिए चलते खाने चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इस रास्ते जा रहे हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, वरना आगे से घूम के जाना पड़ता हमें। और आगे एक हॉस्पिटल है, तो वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। ये हॉस्पिटल है, हमारे घर के पास ही में एकदम। और इसी का एक और ब्रांच है उधर, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अभी। तो वहाँ बहुत शॉपिंग वॉपिंग लगती है, स्मॉल मार्केट है, फूड कॉर्नर है वो एक तरह से। तो ये देखिए कितनी ट्रैफिक है आगे, चलिए चलते हैं अब सीधा। तो गाइस, यहाँ से हमारा मार्केट शुरू हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ कपड़े मिलते हैं, और ये है फूड कॉर्नर। यहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने को, और यहाँ बहुत भीड़ लगती है वीकेंड को कभी भी। तो आप भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। गाइस, जहाँ हम खाना जाते हैं वहाँ देखिए पार्क है बगल में, उसकी बहुत सुंदर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क का नाम है प्रियदर्शनी पार्क। और साइड में आपने पहले देख लिया जिम लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ बूढ़े लोग जिम करने आते हैं, हर उम्र के लोग यहाँ जिम करने आते हैं। और सामने ये फाउंटेन है, तो यहाँ से पानी का फुव्वारा निकलता है, और ये बहुत सुंदर लगता है रात में जब आते हैं, लाइट लगी हुई है इसके अंदर। और आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं आसपास की, कितनी हरियाली है ये देखिए यहाँ। और छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, और शाम को यहाँ बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने। तो हम भी कभी कभी जाते हैं, जब हमारा मन करता है घूमने जाते हैं। तो इस ग्रीनरी पे गाइस एक लाइक तो बनता है प्लीज़। गाइज, मैंने आपको पूरा पार्क दिखाई दिया है, और अब हम जा रहे हैं गोलगप्पा खाने। और यहाँ के बहुत मशहूर गोलगप्पे, और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे देते हैं,
तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो चलिए आपको चलते हैं देखा। गाइज़ मैंने गोलगप्पे खा लिए और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बनते हैं और हम यहीं खाते हैं क्योंकि हमारे घर के बहुत पास है और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप भी यहाँ आके ज़रूर खाना। चलो चलिए अब सीधा घर पे चलते हैं। गाइज हम मार्केट आए हैं, ये हमारे यहाँ का फूड कॉर्नर है पूरा। तो गाइज मैंने आपको फूड कॉर्नर दिखा दिया है और ये उसी के बगल का है। यहाँ बहुत तरह के कपड़े मिलते हैं डेली वेयर और बहुत अच्छे दाम पे मिलते हैं, सस्ते, तो आप भी आके ले सकते हैं और ये बहुत अच्छी जगह है। तो बताइएगा गाइज आपको कैसा लगा। मुझे हम जब भी हमें गोलगप्पा या कुछ भी खाने का मन होता है तो हमारी पूरी फैमिली यहीं आती है। और अभी तो आपको कम भीड़ दिखी होगी पर वीकेंड पे आप देखिएगा कितनी भीड़ होती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और आपने आसपास का मार्केट देख रही होगा कि कपड़े मिलते हैं, सब कुछ मिलता है खाने पीने का। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। ये हमारा, हम तो रोज़ आते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं ये गोलगप्पे। तो अब सीधा घर चलते हैं और हमारे घर से ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट की दूरी पे। गर्मी हो रही है, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं और आज बहुत मज़ा आया हमें खा पी के बाहर का, और पार्क भी आपको हमने दिखा दिया अपने घर, और मैंने बहुत कुछ खाया। अब तो मैं घर पर खाना भी नहीं खाऊंगा, अब घर पहुंच गया अपने सोसाइटी में, तब सीधा चलिए घर पे मिलते हैं। हेलो गाइस, सबने घर में खाना खा लिया और मैं तो बाहर से ही खा के आ गया था। अब मैंने बाहर चाउमीन खाए, गोलगप्पे खाए, मैंने बस आपको गोलगप्पे का दिखाया, चाउमीन का दिखा नहीं पाया क्योंकि चाउमीन वाले के पास बहुत भीड़ थी और मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ तो इसलिए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो जैसे जैसे यूट्यूब में मैं पुराना होते जाऊंगा तो मेरे में कॉन्फिडेंट आएगा, तो जिससे मैं आपको और दिखा सकूंगा आसपास की चीज़ें लोगों। तो चलिए अब दोस्तों ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मुझे बहुत मज़ा आया आज का। तो आपको बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। आप भी बताया करिएगा कि कुछ भी गलती हो जाए करिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ये मत सोचा करिए कि उसको बुरा लगेगा, तो आप ज़रूर बताया करिएगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे और मुझे अच्छा यूट्यूबर बनाएं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।